छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सेवा सहकारित समिति साजा में बने नवनिर्मित खाद्य गोदाम का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान किसान पंचायत सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसके बाद मंत्री ने किसानों की मन की बात सुनी, साथ ही उन्होंने किसानों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि 12 साल पहले धान खरीदी उपकेंद्र खोलने की मांग किसानों ने की थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने किसानों की मांग नहीं सुनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद साजा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 36 सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी केंद्र खोला गया है। साथ ही अब साजा क्षेत्र के किसानों को धान बेचने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनता नहीं है, उपकेंद्र खोलना है क्योंकि मांग यहां से सब दे रही है। 12 10 साल हो गए। उस समय एक दिन में हम परस बोर्ड के आर्डर करवाए रहे कि हमारे परस बोर्ड मात्रा किसान मन के गांव में यहां धान खरीदी होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में कृषि मंत्री बने के बाद लगभग 36 ठन नवा धान खरीदी केंद्र और सोसाइटी हम खोले। धान खरीदी केंद्र जो हमारी उपकेंद्र है, वहां गोडाउन का उद्घाटन था और अन्य कार्यों का भूमि पूजन था। किसानों के साथ बैठ करके थोड़ी चर्चा करने का मौका मिला। मैं अपने सोसाइटी के सभी साथियों को, अध्यक्ष जी को, कृष्ण राठी ओमदाव को और सभी किसानों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ।